नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं नमकीन सेवई बना रही हूँ, जो आप नाश्ते में बना सकते हैं या शाम को हल्की फुल्की भूख लगी हो तब बना सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं सेवई बनानी। ये मैंने सेवई एक चम्मच घी डाल के रोस्ट कर ली है, चलिए बनाते हैं। ये हमने कढ़ाई गैस पर रख दिया और इसमें दो चम्मच घी डाल दिया है। इसके ये घी गर्म हो गया है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सबसे पहले हींग। हमारा हींग हो गया है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी अजवाइन आधा चम्मच। ये मैंने दो टमाटर काट के रख लिए हैं, ये इसमें डालेंगे इसके बाद अजवाइन के बाद। अजवाइन जब हो जाएगी तब हम उसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने दो टमाटर काट के रख लिए हैं। उसके बाद डालेंगे हम इसमें शिमला मिर्च। हम इसे मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार डालिए इसमें नमक। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। डालेंगे कश्मीरी मिर्च अच्छा कलर लाने के लिए। मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर, सबको मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। सब्जियां थोड़ी सी गल गई हैं और इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपनी सेवई। पानी गर्म हो गया, अब मेरे पास थोड़े से पनीर रखा था तो मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ। आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और थोड़ी सी एक हरी मिर्च काट के डाल देती है मैंने। इसके बाद डालेंगे हम अपनी सेवई इसमें। और इस तरह से इसे जब तक ये पानी सूख नहीं जाएगा तब तक इसे चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इस समय इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। देखिए हमारी सेवई बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और ऐसे फिर चलाएंगे। हमारी सेवई रेडी, देखिए हमारी सेवई रेडी हो गई है। अगर इसको सुबह नाश्ते में बनाइएगा या शाम को हल्की फुल्की भूख लगी है तब बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। और चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी पर।